हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरिका टीएम व्लॉग्स। नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दिन की स्टार्टिंग हो गई है, तो बस उठे हैं सुबह और अब करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। और टिया को भी मैंने उठा दिया था, आपको दिखाती हूँ। ये रही मैडम टिया, अपनी चादर लेके घूम रही है अभी भी। मैडम टिया से हाय। हाय। तो टिया भी हमारी उठ गई है, इसकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और टिया को भी कराते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। टाडा डम। ब्रेकफास्ट में बेसन का पूड़ा विद टी, तो खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया, अब करते हैं कुछ स्किन केयर। तो सोच रही हूँ फेस ना गंदा सा हुआ पड़ा है घूम घूम के थोड़ा सा, तो करते हैं स्किन केयर और बस थोड़ा बहुत करते हैं घर पे ही होममेड जो भी थोड़ा बहुत होता है। और उसके बाद आज हमने सोचा है कि टिया को हम इवनिंग में कार्निवल में मिल लेके जाएंगे, वहाँ पे थोड़े झूले वगैरह ले लेगी और बस इंजॉय कर लेगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और करते हैं स्किन केयर। टिया मैडम भी मेरे पास बैठ गए, तो सबसे पहले हम ये बैंड बांध लेते हैं ताकि स्किन केयर हमारा अच्छे से हो जाए और लगे भी ना कुछ मतलब। तो इसको मैंने बांध लिया है इसको। वैसे तो मैंने हेयर्स में ऑयलिंग किया है, हेयर वॉश करना है, पर चलो फिर भी बांध लेते हैं। तो मैं लेके आई हूँ मिल्क, एज यू कैन सी रॉ मिल्क लेके आई हूँ, कच्चा दूध है। तो कॉटन से पहले मैं इसको फेस को करूंगी क्लीन अपने। टिया करोगे? टिया फेस। टिया मैडम मेरे साथ ही बैठी हुई है, तो हम फेस को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इससे थोड़ी देर अप्लाई भी करके रख लेंगे। तो ये हमारा सूख जाए थोड़ा सा, फिर मैं इसको वॉश करके आऊंगी और मतलब अच्छे से फेस क्लीन हो जाए ना, ये एब्जॉर्ब हो जाए और फेस साफ हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये बैठी है टिया, देख रही है कि मम्मा ने क्या अप्लाई किया है फेस पे। क्या हुआ टिया, आपको भी लगाना है फेस पे? लगाओगे? लगा देती हूँ। तो मैं लेके हूँ टमाटर, टमाटर को हम करेंगे अपने फेस पे रब। फेस मैंने क्लीन कर लिया था मिल्क लगा के, अब मैं करूंगी टमाटर को फेस पे रब। इम्प्योरिटीज भी निकलेंगी और फेस के लिए भी अच्छा होता है। तो बस तैयारी हो रही है, इवनिंग में कार्निवल में जाएंगे हम टिया को लेके। तो देखते हैं वहाँ पे झूले वगैरह कैसे होते हैं, यहाँ का कैसा है झूले वगैरह। करनावी जब हमने झूले झूले थे तो ठीक था, वहाँ पे टिया को अच्छा लगा था, तो यहाँ पे भी इसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा। तो मैं इसको अच्छे से फेस पे कर रही हूँ रब, एज यू कैन सी। फिर देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो अच्छे से ऐसे ऐसे करके रब करना है इसको। तो अब मैं बनाती हूँ फेस पैक। टमाटर तो मैंने रिमूव कर दिया फेस से, अब फेस पैक बनाते हैं, दिखाती हूँ आपको क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं ये कटोरी में लेने वाली हूँ, हाँ अभी करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लेने वाली हूँ बेसन और थोड़ा सा लूँगी इसमें चावल का भी आटा ले लिया हमने, और लेंगे इसमें कर्ड करेंगे इसमें मिक्स थोड़ी सी। ये ले ली मैंने कर्ड, तो ये भी इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी। और इसमें लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मतलब। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया कॉफ़ी, कर लेंगे अच्छे से मिक्स कॉफ़ी को इसमें और इस पेस्ट को, फिर अप्लाई कर लेंगे अपने फेस के ऊपर। फेस पैक कर लिया रेडी, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर। कॉफ़ी भी अच्छी होती है वैसे फेस के ऊपर। तो कभी कभार बीच में वैसे ना घर का नॉर्मल कुछ भी ऐड ऑन करके होममेड भी कर लेना चाहिए। तो मैं इसको मसाज करते हुए अप्लाई कर लेती हूँ अपने पूरे फेस पे।
फेस पे इसको मसाज करते हुए अप्लाई मैंने, ऑलमोस्ट हो गया। तो नहा के मैं आ गई हूँ और हेयर वॉश भी कर लिया। नाउ स्किन इज फीलिंग वेरी रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग सी लग रही है तो अच्छा लग रहा है। बस फिर हेयर हमारे ड्राई होएंगे और फिर इवनिंग में हम लोग जाएंगे कार्निवल में टिया को लेके, तो एंजॉय करेंगे वहाँ पे। तो स्टे ट्यून विद अस। टाटा डम। तो इट्स इवनिंग टाइम नाउ और चेंज कर लेते हैं और चलते हैं कार्निवल में। तो चलते हैं टिया और मैं और हिमांशु, हम जा रहे झूला झूलने के लिए फेयर में। टिया भी जा रही है हमारे साथ। मैडम ठीक है, कहाँ जा रहे हो आप बताओ? झूले झूले। तो अब खाएंगे हम बर्फ का गोला काला खट्टा। तो ये बन रहा है बर्फ का गोला, इसमें लग रहा है नींबू मसाला। एक चीज टेस्ट कराती हूँ मैं आपको। ये देख गोला खा रही है। आएगी देख, अच्छा है टेस्ट करके। वो बबल के पीछे पड़ी हुई है। लेट्स एंजॉय। तो बर्फ का गोला तो मैं ले रही हूँ, चल रहा है, और टिया ने लिया बबल्स, दिखाती हूँ आपको। टिया ने बबल्स लिए। अभी ना हमें किसी ने फ्री में पास दिए, तो उस पास का हम यूज कर सकते हैं और किसी भी झूले में, मतलब ये सारे झूले लगे हैं तो किसी में झूले में उसका यूज कर सकते हैं हम। टिया बैठ गई अपने झूले पे एज यूजुअल ट्रेन वाले पे, अभी इसकी राइड करेंगे एंजॉय। ये कैसे लग रहे हैं? ये कैसे लग रहे हो? अच्छा लग रहा है। तो टिया हमेशा मुझे इस पे बिठा देती है अपने साथ ही, तो चलते हैं एंजॉय करते हैं राइड पे। तो अब हम झूलने वाले हैं वो बड़े वाला जो झूला होता है राउंड राउंड वाला, दिखाती हूँ आपको ये वाला। ये जोर से चीख। चले भाई ने रखता है, दो पैग लगा लिए। वो तो पूरा भाग्य फाड़ के देख रही।
ये लाइट नहीं लग रहा। ये हिमांशु चमक रहा है पूरा एंड ग्लो आ रहा है। क्या कर रही है मम्मा? बस क्या मैडम क्या बस बस कह रही है बस कैसे चिपकी पड़ी है मेरे साथ। तो बड़ा वाला झूला झूलने के बाद टिया मैडम ने कहा मैं तो इसमें भी बैठूंगी। तो ये अपनी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी में बैठ के राइड ले रही है। तो भैया ने वैसे एक ही राउंड इसको दिया मैडम को, पर ये एक राउंड के बाद ये भी थक गई कि बस चलो उतारो मुझे। तो बस टिया ने एक राउंड लिया फिर ये उतर गई। और ये सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे हेयर क्लिप्स वगैरह पिंस वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे। ड्राइव किया बाकी आगे मैडम, और मैं पीछे बैठी हूँ अपने शॉपिंग से की है। बस उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। नानी के साथ इसकी बैठेंगे तो है झूले को वैसे मजा बताया जो बड़े वाला होता है ना बड़ा मजा। सोसाइटी में हम पहुँच गए तो चलते हैं अंदर, चलते हैं टिया की नानी के पास। तो ये सारे हम पिंस और क्लस्टर लेके आए। ये पापा कह रहे हैं ये ग्लिटर वाली पिंस है, ग्लिटर वाली पिंस, ये क्लस्टर, ये सारा सामान लेके आए हैं फिर में से। और ये भी है ये भी लेके आएंगे। इसी के साथ ही आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड। होप आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा और आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग धीरिका टिया व्लॉग्स। ऐसे ही नए नए कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए धीरिका टिया व्लॉग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड नमस्ते। टाटा।